नींबू का अचार बनाने के लिए आपको ये कुछ खड़े मसाले आपको इकट्ठे कर लेने होंगे, जैसे कि मीठी सौंफ देख रहे हैं आप, इसमें अजवाइन देख सकते हैं, लौंग देख सकते हैं, और बीच में कुछ और भी स्पाइसेस हैं जो अभी छुपे हुए हैं, जो कि है मग। हम इसे पंजाबी में तो मग कहते हैं, अगर आपको हिंदी में जानने के लिए आप उसकी तस्वीर लेके आप देख सकते हैं। तो इन सारे मसालों को करना क्या, आपको गाइस आपको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड दोस्तों ऐसे करना है कि बिल्कुल चूरा नहीं कर लेना, चूरा नहीं मतलब कि दरदरा सा रखना है, उसको थोड़ा सा मोटा मटेरियल रखना है, ताकि आपको खाने में फील हो कि आप ये मसाला खा रहे हैं, ऐसा रखना है आपको। तो इसके बाद करना क्या आपको दोस्तों, नींबू को अच्छी तरह से काट लेना मनचाही शेप में, और साथ ही साथ में ये कुछ मसाले ऐसे इकट्ठा कर लेना। तो दोस्तों ये हमारी हल्दी गई, ये हमारा वाइट नमक, और ये हमारा काला नमक, और साथ में हमारे पे लाल मिर्च दी गई है, और जो हमने अभी मसाला जो अपनी ग्राइंडिंग करा उसे हल्का सा दरदरा रखा वो हमारा मसाला है कटोरी में, और ये हमारा लाल मिर्च पाउडर। इसमें गाइस इस अचार में हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ये हमारी चीनी है, और ये सभी आइटम को दोस्तों आपको कुछ कुछ अमाउंट में ले लेना है। जैसे कि देखा जाए ये हमारे पास काली मिर्च थी, इसे टेस्ट और स्वाद अनुसार डालना है। ये हमारी हल्दी गई हल्की सी मतलब कि 100-100 ग्राम, और नमक आपके स्वाद अनुसार, और ये हमारी गई काला नमक जिसे हमने सेंधा नमक भी कहते हैं, और साथ ही साथ में ये हमारी अभी नमक डालने के बाद आएगी बारी चीनी की। तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों हमने अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, जबकि जो भी हमारे पास मसाला बचा, अब देखो आप लाल मिर्च देख सकते हैं कुछ थोड़ा, मैं लाल मिर्च कुछ ज़्यादा हम खाते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैं दोस्तों पंजाबी हूँ और पंजाबियों को लाल मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है एक हिसाब से। तो अभी आई चीनी की बारी। अब दोस्तों बोल लेंगे आप चीनी कितनी डालनी चाहिए। दोस्तों ये खट मीठा सा अचार था, मतलब खट्टा मीठा अचार था, तो इसमें कम से कम हमने, मेरे पास 2 किलो नींबू थे, तो इसमें मैंने कम से कम 1/2 किलो चीनी का इस्तेमाल करा है। सिंपल शुगर गाइस, जो शुगर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वही शुगर का इस्तेमाल करा है। अब दोस्तों इस सारे अचार को अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद मिक्स कर लेना है। मिक्स ऐसा करना है कि आप जो नीचे लगे हुए जो नींबू होंगे वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने दोस्तों बहुत ही सिंपल रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं। अब इसे करना क्या है दोस्तों, एक फुली स्टरलाइज जो हमारा कंटेनर होता है, जो बिल्कुल साफ़ कंटेनर होगा जिसमें एयर टाइट तो कह सकते हैं जो एयर टाइट हो, उसके अंदर हम इस अचार को उसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद इसे कम से कम 5-6 जो हमारी सनलाइट की धूप होती है उसके अंदर उसके नीचे रखना है, ताकि यह अच्छी तरह से हमारा अचार बन के तैयार हो जाए और खाने लायक बन जाए। जो भी इसकी प्रोसेस होगी इसके अंदर होती रहेगी सनलाइट की वजह से। देख सकते हैं गाइस सारा मसाला हमने उस अंदर डाल दिया है हमारे डब्बे के अंदर, देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है दोस्तों। जब बाद में बन के आता है जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा यम होता है। ये दोस्तों कम से कम 1 महीना भी नहीं टिकने वाला ये अचार, मैं इतना अचार खाता हूँ। अब ढक्कन को लगा दिया जाएगा और सूरज के नीचे रखने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको अभी ये वीडियो मैंने जब शूट करी थी दोस्तों, थोड़ा एक दिन बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ये दोस्तों एक ही दिन के अंदर आप देख सकते हैं सूरज की धूप से अचार की शक्ल ऐसी तब्दील होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।